दोस्तों आज हम बात करेंगे कि FZ या फेजर या FZ वर्जन 2 और R15 में जो स्टार्टिंग ट्रबल आता है वो कभी कभार क्या होता है कि बारिश गिरती, अभी बारिश का बहुत मौसम है, उसके हिसाब से वो स्विच में पानी चला जाता है, जो इग्निशन स्विच बोलते हैं वो, इसको स्टार्टिंग स्विच भी बोला जाता है। देखो अभी मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इग्निशन मैंने ऑन किया है, उसके बाद ये दबा रहा हूँ स्विच, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी ये स्टार्टिंग स्विच का प्रॉब्लम है। कभी कभार गैरेज वाले के पास जाते हैं तो फिर हमें दूसरा कुछ बता के पैसे निकाल लेते हैं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, पहले अपना ये स्विच बदला दें, ये हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसका सेल्फ या स्टार्टर मोटर ख़राब हो चुका है, बैटरी चली गई है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम यहाँ स्टार्टिंग स्विच में होता है, जो आप देख सकते हो। तो हमें क्या करना होगा कि स्टार्टर स्विच, ये पूरा स्विच मॉड्यूल नया मिलता है, उसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा। नीचे 3 बोर्ड दिए होते हैं जो हम ट्राई कर रहे हैं खोलने का। बारिश की वजह से बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बारिश का पानी ये स्विच में चला जाता है, उसके बाद उसमें कोरोजन होता है और डस्ट और रस्ट इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि अंदर कॉन्टेक्ट पॉइंट मिलता नहीं है, और कॉन्टेक्ट पॉइंट मैच नहीं होगा तो आपका स्विच काम नहीं करेगा। तो हमें ये, मेरी गाड़ी 6 साल पुरानी है, देखो ये नया स्विच मैंने लाया हुआ है, ये मार्केट में मिंडा। दोस्तों मार्केट में ये मिंडा की स्विच मिल रही है, वो करीब तकरीबन 350 या 300 रुपये में मिलेगी आपको, मैं वो लाया हुआ हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। उसको क्या करना है, बस ये नया स्विच ला के इंस्टॉल करना होगा, लेकिन उसके लिए ये सब आगे का जो मजकद होता है, हेडलाइट होता है, वो हमें खोलना पड़ता है, क्योंकि उधर एक कपलर या सॉकेट दिया होता है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे, ये स्विच, ये पूरा मैंने खोल दिया है। यहाँ मैं नज़दीक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कौन सा कपलर आता है। ये ये वाला, ये जो सॉकेट आता है वहाँ से ये खोल के हम ये स्विच की वायरिंग बदल सकते हैं। आपको दिख रहा है ये वाला कपलर, ये कपलर हमें इंस्टॉल करना होगा। देखो ये मिंडा का स्विच है, ये मैं लाया हुआ था 350 में, मुझे ये स्विच मिला था या नज़दीक बाज़ार में से। अब हमें फिर से इसे इंस्टॉल करना है ऐसे, ये बहुत ही मेहनत वाला काम है,
फिर हमें ये साइड पैनल फिट करना होगा। ऐसे पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसके बाद हमें स्टार्टर स्विच लगाना है जो मैंने लगा दिया है, ये आप देख सकते हो। अब मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ, ये सेल लगा रहा हूँ, ये एक ही सेल में स्टार्ट हो गया, देखो। तो आप देख सकते हो कि एक स्विच की दिक्कत से हमारा पूरा 1 लाख का गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ये फिर से हम ट्राई कर रहे हैं, ये फिर से देखो। तो दोस्तों, आज हमें ये जानने का मिला कि छोटी चीज़ें भी ऐसी बड़ी दिक्कत कर सकती है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। गाइस, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल रहे। थैंक यू।